गुड मॉर्निंग क्लास सेवन स्टूडेंट स्टूडेंट्स हम लोग अंकल पॉजर हैंक्सा पिक्चर पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि अंकल पॉजर जब भी कुछ काम जिम्मा उठाते थे तो घर में एकदम भूचाल सा माहौल बन जाता था। सब इधर उधर सामान हो जाता ठीक और पूरे घर में तबाही मचा देते थे। तो अंकल पॉजर आंटी पॉजर एक पेंटिंग लाए और उन्होंने कहा कि इस पेंटिंग को कैसे टांगा जाए। तो अंकल पॉजर ने कहा बस इतनी सी बात और उन्होंने कहा कि मैं टांग दूंगा। तो आपको तो स्टोरी में पता ही है कि कैसे उसने टांगा। किसी को कील लाने भेजा तो किसी को वो हैमर लाने के लिए, किसी को लाइट देने के लिए, दिखाने के लिए बोला। तब लास्ट में उसे पेंटिंग गिर जाता है और शीशा को बचाने के चक्कर में उसका हाथ में शीशा भी गड़ जाता है। तो वो बहुत रोता है और भागते भागते कोट ढूंढता है जो कि उसके ऊपर ही वो बैठा हुआ था। ठीक है आगे पढ़ते हैं। कोट अभी तक नहीं मिल रहा था क्योंकि कोट में रुमाल था। रुमाल से वो अपना उंगली में बांध देता ताकि उसका ब्लड जो है वो रुकता। डजंट एनीबॉडी इन द होल हाउस नो वेयर माई कोट इज़। क्या किसी को पूरे घर में नहीं पता कि मेरा कोट कहाँ है। आई नेवर केम अक्रॉस सच अ सेट इन माई लाइफ। मैंने ऐसे बदमाश बच्चे नहीं देखे जिन्होंने कोई भी काम अभी तक ठीक से नहीं किया। अपॉन माई वर्ड्स आई डिड इन सिक्स ऑफ यू एंड यू कांट फाइंड अ कोट दैट आई पुट डाउन नॉट 5 मिनट्स अगो। वेल ऑफ द तुम 6 लोग हो और 6 लोग मिलके नहीं ढूंढ रहे हैं जो कि उस कोट को जिसको मैंने सिर्फ 5 मिनट पहले ही रखा था। वेल ऑफ द देन ही गेट अप एंड फाइंड दैट ही हैज़ बीन सीटिंग ऑन इट एंड वुड कॉल आउट। वो गुस्सा से खड़ा हुआ और खड़ा होकर देखता है कि वो कोट पर ही बैठा हुआ था। तब उसने सबको बुलाता है ओह यू कैन गिव इट अप आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ। तुम लोग छोड़ो तुम लोग से नहीं होगा मैंने खुद ही ढूंढ लिया। देखो यही सोफा पे तो रखा हुआ था। आई माइट जस्ट एज वेल आस्क द कैट टू फाइंड एनी थिंग एज एक्सपेक्ट यू पीपल टू फाइंड इट। मैं तो तुम लोग से अच्छा बिल्ली को बोल दूंगा बिल्ली ढूंढ देगी। तुम लोग तो कम नहीं ढूंढ सकते हो। यही पर था और ढूंढने भी नहीं सका। और कोई बच्चा लोग भी हंस रहे थे क्योंकि वो खुद ही बैठा हुआ था और सब पे गुस्सा आ रहा था कि तुम लोग नहीं ढूंढ सका। And when half an hour had spent in tying up his finger and a new glass had been got and the tools and the ladder and the chair and the candle has been brought। और जब आधा घंटा तक उसको चोट में मलहम लगा दवाई लगा पट्टी हुआ तब एक नया शीशा आया फ्रेम आया फिर हैमर आया स्टूल आया काटी आया कैंडल आया। ही वुड हैव अनदर गो। वो फिर से उठा मैं फिर से कोशिश करूँगा अंकल पॉजर ने कहा। एंड द होल फैमिली इंक्लूडिंग द गर्ल एंड द 4 वुमेन स्टैंडिंग राउंड इन अ सेमी सर्कल। और पूरा फैमिली एक सेमी सर्कल मीन्स ऐसे आधा घेरा बना करके उसको घेर करके खड़े हो गए रेडी टू हेल्प मदद करने के लिए। सब आधा घेरा बना करके उसके चारों ओर खड़े हो गए। 2 people would have to hold the chair। 2 बच्चे वहाँ पर 2 लोग थे जो बच्चों में से 2 जनों को चेयर को पकड़ के रखना था जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं। The third would help him on it। तीसरा जो है उनको चढ़ाने में मदद करता and hold him there और उनको पकड़ के रहता। And 4 tooth hang him a nail। चौथा बच्चा उनको कांटी देता। एंड 5 tooth pass him the air। पांचवा बच्चा उनको हैमर देता हथौड़ा देता। एंड ही वुड टेक होल्ड ऑफ द नेल एंड ड्रॉप इट। फिर वो उठाते और उसको फिर गिरा दिए कांटी को। देयर ही वुड से इन इंजर्ड टोन नाउ द नेल्स गोन। गिरा दिए खुद और बोलते देखो अब कांटी फिर नीचे गिर गया। And we would all have to go down on our knees and grovel for it। और हाँ सारे बच्चों को अपने झुक करके
कांटे को उठाना होता था। वाइल ही वुड स्टैंड ऑन द चेयर, और खुद वो चेयर में खड़ा रह के बच्चों लोग से कांटे ढूंढवाता, एंड ग्रंट एंड वांट टू नो इफ ही वाज टू बी केप्ट देयर ऑल इवनिंग, और गुस्सा के खड़ा होता कि क्या तुम लोग मुझे पूरा शाम तक खड़ा रखोगे, एकदम बच्चे बदमाश हो, कुछ काम नहीं करते हो ठीक से, ना कुछ काम में ध्यान लगता है। द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट, और आखिर में उनको कांटी मिल जाती। बट बाई दैट टाइम ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर, लेकिन तब तक वो कांटी को ही वो, मतलब हैमर ही भुला देता। जब उनको कांटी मिलता तब वो कहीं पर हथौड़ा रख के भूल गया। वेयर इज़ द हैमर, हथौड़ा कहाँ है? What did I do with the hammer? मैंने हथौड़े के साथ क्या किया? Great heaven! Seven of you gaping around and you don't know what I did with the hammer. तुम लोग यहाँ बस खड़े हो देखने के लिए। मैंने कहा हथौड़ा रखा, ये किसने नहीं देखा, पर सब तमाशा देखने के लिए खड़े हो। We would find the hammer for him and then he would have lost the side of mark he had made on the wall. और जब तक बच्चे उसके लिए हथौड़ा ढूंढते, उसने कहाँ निशान बनाया था वो भूल गए, और जहाँ पर कांटी को ठोकना था। एन ईच ऑफ वन हैज़ टू गेट अप ऑन द चेयर बिसाइड हिम एंड वी वुड ईच डिस्कवर इट इन अ डिफरेंट प्लेस, और हम लोग भी वहाँ पर, हम लोग को बोला थे ढूंढो कहाँ है, तो सारे बच्चे अलग अलग जगह में कांटी का निशान ढूंढने लगे, सबके लिए अलग। कोई बोला यहाँ आप ठोके थे, कोई बोलता है इस तरफ ठोके थे, कोई बोला ऊपर ठोके थे, कोई बोला दाएं ठोके थे, कोई एक जगह बता नहीं पा रहा था। एंड ही वुड कॉल अस फूल्स एंड आफ्टर अनदर टेल अस टू गेट डाउन, और वो हमको मूर्ख बोल के बोलता चलो हटो बेवकूफ़ लोग, तुम लोग से कुछ नहीं होने वाला, कह करके उन बच्चों को डांटने लगा। एंड ही वुड टेक द रूल, फिर से वो रूल यानी कि जो स्केल था उसको निकालता है, जो बांधने लंबा सा होता है दीवार नापने वाला, एंड री मेज़र एंड फाइंड दैट ही वांटेड हाफ 31 and 38 इंचेस फ्रॉम द कॉर्नर, तब उसे पता चलता है कि 38 1 इंच और 38 इंच का उसको लंबाई और चौड़ाई चाहिए। एंड ही वुड ट्राई टू डू इट इन हेड एंड गो मैड, फिर अपने दिमाग में कुछ मैथ करता और पागल हो जाता। एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन आवर हेड्स एंड अराइव एट डिफरेंट रिजल्ट एंड स्नीर एट वन अनदर एंड इन जनरल रो द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगेटन एंड अंकल पॉजर वुड हैव टू मेजर इट अगेन, वो मेज़र करता कितना से इतना दूरी चाहिए, लेकिन कांटी ठोकते समय फिर भूल जाता कि कहाँ से कहाँ उसने निशान बनाया था या कहाँ से कहाँ उसने मेज़र किया था। ही वुड यूज़ अ बीट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम, अब उसने एक धागा लिया। एंड एट द क्रिटिकल मोमेंट व्हेन द ओल्ड फूल वाज लीनिंग ओवर द चेयर एट एन एंगल ऑफ 45 एंड ट्राइंग टू रीच अ पॉइंट 3 inches बियॉन्ड what was possible for him to reach, the string would slip and down he would slid on the piano, really fine musical effect being produced by the suddenness which with his head and body struck all the notes at the same time. अब वो धागा लेकर के एक छोर से दो पेंटिंग का नाप करके इधर से उधर टांग रहा, मतलब जैसे पेंटिंग का नाम ले लिया और धागा से ही उसको दीवार में नापने लगा, पहले धागा से पेंटिंग को नापा फिर उसी नाप से उसने दीवार को किया, ऐसे करते करते वो थोड़ा दाएं बाएं घिसका और टेबल से ही सरक गया और उसका हाथ पियानो पे पड़ गया और पियानो में बड़ा ही अजीब सा आवाज़ आया, पियानो पे ही गिर गया वो अंकल पोजर। And Aunt Maria would say she would not allow the children to stand round and hear such language. और वो बच्चों को बहुत ही बुरा भला कहने लगा। तब Aunt Maria कहती है तुम्हें काम नहीं करना है मत करो, लेकिन बच्चों के सामने गंदी गंदी बातें मत करो, उनको गंदे गंदे words मत बोलो। At last Uncle Poser would get the spot fixed again and put the point of the nail on it with his left hand and take the hammer in his right hand
एंड विद द फर्स्ट ब्लो ही वुड स्मैश हिज थंब एंड ड्रॉप द हैमर एंड विद अ येल ऑन समबडीज टो। आखिरकार उन्होंने निशान बनाया और कांटी ठोकने को तैयार हुए। जैसे ही उन्होंने कांटी पे मारा, एक हथौड़ा उनके अंगूठे पर लग गया और ज़ोर से चिल्लाते हुए उन्होंने हथौड़ा छोड़ा और किसी बच्चे के अंगूठे पे, पैर के अंगूठे पे गिर गया। दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। आंट मारिया वुड माइल्डली ऑब्जर्व दैट नेक्स्ट टाइम दैट अंकल पोजर वॉज गोइंग टू हैमर अ नेल इनटू द वॉल शी होप्ड ही वुड लेट हर नो इन टाइम सो शी वुड मेक अरेंजमेंट टू गो एंड स्पेंड अ वीक विथ हर मदर वेर इट वॉज बींग डन। और आंट मारिया ने सोचा कि अगली बार अगर ये कुछ ऐसा काम करेंगे या कुछ पेंटिंग टांगेंगे तो मुझे एक सप्ताह पहले बता दे ताकि मैं अपनी मम्मा माँ के यहाँ जाऊँ और इन सब आवाज़ से, ये सब तमाशे से दूर रहूँ। ओह यू वुमेन मेक सच अ फस ओवर एवरीथिंग। जब अंट ने कहा तो अंकल पोजर ने कहा तुम लोग ना छोटी छोटी बात का बतंगड़ करती हो। अंकल पोजर वुड रिप्लाई पिकिंग हिमसेल्फ अप Why I like doing a little job of this sort? मैं इतना छोटा काम क्यों करूँगा? And then he would have another try, and at the second blow, the nail would go clean to the plaster and the hammer after it, and Uncle Poser be precipitated against the wall, force nearly sufficient to flatten his nose. तब लास्ट आखिर दूसरी बार एक बार और ट्राई किया तो इस बार कांटी कम से कम वो दीवार के अंदर गई। ठीक है, लेकिन उन्होंने इतनी ज़ोर से हथौड़ा मारा कि वो ना अपने हथौड़े इतना ज़ोर से ताकत लगाया कि हथौड़े के साथ उनका नाक भी दीवार में लग गया। देन वी हैड टू फाइंड द रूल एंड स्ट्रिंग अगेन एंड अ न्यू होल वॉज मेड एंड अबाउट मिडनाइट द पिक्चर वुड बी अब। आखिरकार रात को पिक्चर जो था दीवार पे टंग गया। वेरी क्रूकेट, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा एंड इनसेक्योर, बहुत ही अजीब से वो वॉल में लगा हुआ था। द यार्ड्स लुकिंग एज इफ इट्स हैड बीन स्मूथेड डाउन विथ अ रेल। उनका जो था फ्रेम था वो थोड़ा मोटा टेढ़ा हो गया था। एंड एवरीबॉडी डेड बीट एंड रेचेड, सब एकदम थक गए थे और बहुत ही हैरान परेशान लग रहे थे, परेशान सी। देर यू आर ही वुड से स्टेपिंग ऑफ द चेयर ऑन द चार वुमेन्स कॉन्स एंड सर्वेइंग द मेस ही हैड मेड द एविडेंट प्राइड व्हाई सम पीपल वुड हैड अ मैन इन डू अ लिटिल थिंग लाइक दैट व्हाई सम पीपल वुड हैव हैड अ मैन इन टू डू अ लिटिल थिंग्स लाइक दैट। उन्होंने कहा पता नहीं लोग कितने छोटे छोटे काम पे किसी मर्द को क्यों बोलते हैं, ये तो कोई भी कर सकता है। टेढ़ा मेढ़ा पिक्चर टांग के उतना तमाशा करने के बाद वो ये सब बात कह रहे हैं और स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ओके स्टूडेंट, आप ये वर्ड मीनिंग लिख के दिखाएंगे और ऑथर के बारे में भी।